हाय फ्रेंड्स माय सेल्फ डॉक्टर कश्यप शाह मैं एज ए सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर और न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर पिछले 14 साल से रिश क्लिनिक में कंसल्टिंग करता हूँ आपकी लाइफ स्टाइल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी सेक्स लाइफ इम्प्रूव करने में आपको डायबिटीज रिलेटेड सेक्शुअल इश्यूज़ रहते हैं तो आप काउंसिलिंग ट्रीटमेंट ब्लड शुगर कंट्रोल के अलावा डाइट एक्सरसाइज और कई दूसरे तरीकों से अपनी सेक्स लाइफ को एनहांस कर सकते हो सेक्सुअल वेलबींग के लिए डाइट और एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रॉपर डाइट लेने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने चाहिए आपको फूड पोर्शंस पे ध्यान देना चाहिए आपके मिल्स में फाइबर का कंटेंट हाई होना चाहिए आपको वेजिटेबल्स फ्रूट्स और नट्स कंज्यूम करने चाहिए आपको बेकरी प्रोडक्ट्स फ्राइड और प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करना चाहिए अल्कोहल लिमिटेड क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए सनफ्लावर सीड्स पंपकिन सीड्स फ्लेक्स सीड्स को अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए आपका वाटर इंटेक सही होना चाहिए डायबिटीज फ्रेंडली फूड के साथ साथ आपको ऐसे फूड आइटम्स का कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए जिसमें सेक्सुअली एनहांसिंग इंग्रेडिएंट्स हो ये इंग्रेडिएंट्स आपका मूड सेक्सुअल रिस्पॉन्स और सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं जैसे एनीसीड्स सौफ इसका कंजम्पशन मेल लिबिडो बढ़ाने में मदद करता है ऑलिव्स और हनी का कंजम्पशन मेल फर्टिलिटी और स्टरिलिटी इंप्रूव करने में मदद करता है एलमंड जिंजर और पासले का कंजम्पशन फीमेल्स में सेक्सुअल इंटरेस्ट और सेक्सुअल रिस्पॉन्स बढ़ाने में मदद करता है इलायची और तुलसी आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ाने में मदद करते हैं ऑनियन और गार्लिक का कंजशन सेक्सुअल डिजायर बढ़ाने में आपकी मदद करता है ऐसे कुछ हर्ब्स और नेचुरल सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं जिससे आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट्स आ सकती हैं। ऐसे सप्लीमेंट्स आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके ही कंज्यूम करने चाहिए अश्वगंधा मेल्स में लिबिडो इंप्रूव करने में मदद करता है साथ में फर्टिलिटी इंप्रूव करने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जिंको बिलोबा पेनिस में ब्लड फ्लो इंप्रूव करके इरेक्शन मेंटेन करने में हेल्प करता है ओट्स का भी पॉजिटिव इफेक्ट रहता है मेल सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे जिनसिंग फीमेल्स में सेक्सुअल इंटरेस्ट बढ़ाने में मदद करता है आर्जिन फीमेल्स में सेक्सुअल डिजायर बढ़ाता है क्लाइटोरिस में सेंसेशन बढ़ाता है और ऑर्गेजम अचीव करने में मदद करता है डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज से भी आप अपना सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो डेली वॉकिंग रनिंग बैडमिंटन स्विमिंग करने से बॉडी में एंडोरफिन केमिकल रिलीज होता है जो सेक्सुअल डिजायर बढ़ाने में मदद करता है एरोबिक और साइकिलिंग आपका स्ट्रेस कम करने में मदद करते हैं और आपके जेनाइटल रीजन में ब्लड के फ्लो को बढ़ाते हैं जिससे आपका सेक्सुअल फंक्शन इंप्रूव होता है मेल और फीमेल दोनों के लिए किगल एक्सरसाइज बेस्ट ऑप्शन है उससे आपके पेल्विक मसल्स का टोनिंग होता है पेल्विक मसल्स मजबूत होते हैं जिससे आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस और बढ़ता है सेक्सुअल परफॉर्मेंस के अलावा एक्सरसाइज आपको वेट कंट्रोल करने में मदद करती है आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है कोलेस्ट्रॉल एचबीए1सी लेवल्स को कम करने में मदद करती है आपके ओवरऑल बॉडी फिटनेस और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट रोल रहता है एक्सरसाइज आपको अपने पार्टनर के साथ करनी चाहिए जिससे आपका फिजिकल हेल्थ सेक्सुअल हेल्थ दोनों इम्प्रूव होगा और आपके बीच की बॉन्डिंग और कम्युनिकेशन भी अच्छे होंगे फ्रेंड्स आपको अपनी सेक्स लाइफ बेहतरीन और सेटिस्फाइंग चाहिए तो कपल्स के बीच का बॉन्डिंग और कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए आप थोड़ा सा इंटरेस्ट और एफर्ट्स लेके आपके आसपास की इंटीमेसी को बढ़ा सकते हो जनरली सेक्सुअल संतुष्टि या सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए सेक्सुअल इंटर्स को ही अंतिम गोल माना जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स पे फोकस करने से पहले आपको फोर प्ले पे फोकस करना चाहिए आपको अपने पार्टनर के साथ लिपटना चाहिए आपको उसके साथ किसिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए आपको उसे सेंशुअली टस्ट करना चाहिए प्यार भरी बातें करनी चाहिए ऐसा करने से दोनों की स्ट्रेस और एंगजाइटी कम होगी आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और आपका सेक्सुअल रिस्पॉन्स भी बढ़ेगा आप एक दूसरे को छोटा सा मसाज दे सकते हो जिससे आपका पार्टनर सेक्सुअली उत्तेजित होगा आपको बेडरूम में परफ्यूम्स लाइटिंग इफेक्ट्स, सेंटेड कैंडल्स का यूज करना चाहिए इन सब का मूड पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है आप कभी कभी मूड इंप्रूव करने के लिए फैंटेसीज का भी सहारा ले सकते हो एज ए कपल आपको कभी कभी साथ में कुकिंग करनी चाहिए नई रेसिपीज बनानी चाहिए इससे आपकी सेक्स लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट होगा डे टू डे लाइफ में हर कोई अपने हाउस होल्ड कोर्स या ऑफिस कोर्स में बिजी होता है आपको थोड़ा टाइम निकाल के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए आप वैकेशन पे भी जा सकते हो इससे आपके बीच की बॉन्डिंग बढ़ेगी एक दूसरे के लिए अफेक्शन भी बढ़ेगा फ्रेंड्स आपकी लाइफ को आपके नेचर को आपके प्रॉब्लम्स को किसी और से ज्यादा आप खुद समझ सकते हो आप पॉजिटिव रह के खुद भी इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हो अपनी सेक्स लाइफ को एनहांस करने के लिए पर आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी होगी अगर आपको किसी भी तरह का सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो आपको न्यूज मैगजीन या ऑनलाइन वेबसाइट्स के फेक एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए आपको प्रॉपर काउंसिलिंग करवानी चाहिए या डॉक्टर से कंसल्टेशन करना चाहिए मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है पेनिस को बड़ा करने के लिए उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए जैसे पंप्स पेनाइल वेट्स फ्रेंड्स इन सबसे पेनिस के टिश्यूज को डैमेज हो सकता है कुछ लोग एनिमल एफ्रोडिजियक प्रोडक्ट्स के चक्कर में भी फंस जाते हैं आपको इन सबसे दूर रहना चाहिए हर्बल मेडिसिन या सप्लीमेंट्स भी डॉक्टर को कंसल्ट करके लेना चाहिए फ्रेंड्स सेक्सुअल प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए सबसे पहली सीडी ये है कि आप उसको एक्सेप्ट करिए शर्माइए मत या आपको गिल्ट फीलिंग नहीं होनी चाहिए दूसरा आपको अपनी प्रॉब्लम्स खुलकर अपने काउंसिलर या डॉक्टर के साथ शेयर करनी चाहिए अगर आप ऐसा करोगे तभी आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सही सॉल्यूशन मिलेगा और आप एक हेल्दी और सैटिस्फाइड सेक्सुअल लाइफ की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाओगे मैं उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड से आपको पर्सनल लेवल पे बहुत हेल्प मिलेगी अगर आपको ये एपिसोड हेल्पफुल और एजुकेशनल लगे तो आप इसे प्लीज शेयर कीजिए आप अपने व्यूज मुझे कमेंट करके या ईमेल करके भी बता सकते हैं थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर पेशेंस लिसनिंग मिलते हैं डायबिटीज टॉक पॉडकास्ट के नेक्स्ट सीजन में एक नए टॉपिक के साथ